देखिए, आपका जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। किनको आप फिजिकल चेंज बोलेंगे, किनको आप केमिकल चेंज बोलेंगे? तो देखिए, फिजिकल चेंज हम बोलते हैं चेंज, पहले फिजिकल चेंज की बात करते हैं। चेंजेज इन विच सब्सटेंस डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चेंज है जिसके अंदर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। दूसरा केमिकल चेंज, क्या बोलेंगे? चेंजेज इन विच सब्सटेंस लूज इट्स आइडेंटिटी, लूज इट्स आइडेंटिटी। आर कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो, एग्जाम्पल बात करते, टीयरिंग ऑफ पेपर। आपका पेपर था, आपने पेपर की टीयरिंग की। सो टीयरिंग ऑफ पेपर आपका, तो जब पेपर को आपने टीयर किया तो क्या पेपर की कंपोजिशन चेंज हुई? नहीं हुई, जस्ट आपके क्या हो गए, दो पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट्स में आपने उसको टीयर कर दिया। आपके सब्सटेंस ने क्या नहीं किया? सब्सटेंस डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। बट आप बात कर रहे हो तो ये क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज। बट आप बात करो यहां पे बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज। क्यों? बिकॉज आपका पेपर अब पेपर ही नहीं रहा, वो तो इसमें कन्वर्ट हो गया, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। पेपर लूज इट्स आइडेंटिटी। जो पेपर के पास, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, आपके पेपर ने वो लूज कर दिया। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका बर्निंग ऑफ पेपर क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर ए केमिकल चेंज क्या कुछ हो सकता है आपका? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर सीन। कौन सी ऑब्जर्वेशन देखी जाती हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपका कोई चेंज हुआ है और उसके अंदर कोई गैस रिलीज हो रही है, इवोल्व हो रही है, तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज। या फिर हम बोलें इवोल्यूशन ऑफ हीट। आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इवोल्व हो रही है, या रिक्वायर्ड है, या फिर हम बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। चेंज इन कलर, आपका कलर चेंज आपको देखने को मिल रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि आपका केमिकल चेंज है। फॉर फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के अंदर क्या होगा, फिजिकल चेंज में जस्ट क्या होगा, आइदर स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेज और सम एक्सटर्नल फोर्स में भी अप्लाइड। तो वो भी क्या होगा, आपका एक फिजिकल चेंज होगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो आपका ये आपका पेपर है, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या है, एक फिजिकल चेंज है, कुछ नहीं हुआ। आपकी रबर बॉल है, आपने उसको उस पर प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, कंप्रेस हो गई, आपने जैसे ही उसको रिलीज किया फिर से उसने अपनी शेप रिगेन कर ली। कोई उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, हो तो वो क्या था उसका, जस्ट एक फिजिकल चेंज था। वाटर है या फिर कोई सब्सटेंस है, आपने उसको हीट किया, वो वाटर है, आइस था, वो किसमें लिक्विड में चेंज हो गया, तो वो क्या आपका एक फिजिकल चेंज है। अभी भी वो है तो क्या आपका H2O। लेकिन अगर सपोज करो,
लेकिन सपोज करो अपने पास एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो आपका स्पॉयल हो गया कोई फूड है, फूड आइटम्स ऑक्सीडेशन स्पॉयल हो गए, या फिर हम बोलते हैं उसको रेंसिड हो गए, स्पॉयल हो गए, या फिर हम बोलेंगे क्या रेंसिड हो गए ऑक्सीडेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया आपका, एक केमिकल चेंज हो गया, ये क्या हो गया आपका एक केमिकल चेंज आपका हो गया। तो आपका सपोज करो आप बहुत सा उससे आप फ्रूट्स लेके आते हो कुछ दो अगर 4-5 दिन तक रखे रहते हैं तो वो अपने आप स्पॉयल हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन हो जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगते हैं, उनसे स्मेल आने लगती है, अभी वो ईटेबल नहीं रहते हैं। तो आपके क्या सारे फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड जो है वो आपका क्या है एक फिजिकल चेंज। तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, अगर आपका कंपाउंड आपका सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है तो आपका केमिकल चेंज, अगर किसी चेंज के थ्रू कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा तो आपका क्या रहेगा फिजिकल चेंज। किसी में केमिकल कोई भी अगर ऐसा चेंज है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है तो वो 101% आपका क्या रहेगा एक केमिकल चेंज। यहाँ पे आके आपका मोस्ट ऑफ हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट। थैंक यू।